पास्ता लेंगे सर, पास्ता लाइट होता है, पास्ता बनवा लेंगे। अरे उधर क्या नाम है सर, बताइए पास्ता है बर्गर है, बताइए प्लीज। ऐसा तुम ही जो करते हो, इट इज़ कुकिंग एरिया। मेजर शेफ कौन है आपका, मेन शेफ कौन है, आप है वेरी योर, आपका सर का कैप कहाँ चला गया, एप्रिन वगैरह कुछ होता है ना कुकिंग में, ट्रेडमार्क है ग्रिलिन, अच्छा है, ब्रांड नेम है बढ़िया, तो ब्रांड को तो ख़राब नहीं करना है ना, ब्रांड तो मेंटेन रखना है, ठीक है। और आपका ये क्या है, डस्टबिन, आपका आप वेज और नॉन वेज दोनों सर्व करते हैं, वेज का कहाँ पे, नॉन वेज कहाँ पे, स्टोर 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 और कुकिंग दोनों सेपरेट होना चाहिए, वेज नॉन वेज कुकिंग दोनों सेपरेट होना चाहिए, उसी में वेज है उसी में नॉन वेज है, ऐसा क्यों, इसमें आपके स्टोर में वेज नॉन वेज एक साथ रखा, सर उठाइएगा, रेड मार्क नॉन वेज, ये सर वेज कौन है, रेड कलर का मार्क है ना, इसको हटाइए, इसको भाई आप हटाइए ना, हटाए आप तो फ्राइड चिकन भी देते हो, तो दोनों दो फ्रिज अलग अलग करो, दो फ्रिज आपके पास है भी, तो एक में क्यों रखा हुआ है, क्यों भाई सैफ साहब, आपको आपको क्या मालिक तो नहीं देखेगा आकर के ना, सब चीज़ें जिम्मेदारी किसकी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मालिक को तो नहीं देखना ना, मालिक ने तो आपको अपॉइंट कर दिया, पर आप क्या कर रहे हो, आइसक्रीम भी उसी में है, कुकिंग आप कुकिंग एक पेक में क्यों रखा हुआ है, क्यों भाई सैफ साहब, आपको आपको क्या मालिक तो नहीं देखेगा आकर के ना, सब चीज़ें जिम्मेदारी किसकी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मालिक को तो नहीं देखना ना, मालिक ने तो आपको अपॉइंट कर दिया, पर आप क्या कर रहे हो, आइसक्रीम भी उसी में है, कुकिंग आप कुकिंग एक में भी करते होगे, वेज और नॉन वेज दोनों कुकिंग एक ही में कर देते होगे, ये तो ऑन द स्पॉट दिख रहा है ना, जब हम ऑन द स्पॉट नहीं होते होंगे तब क्या होता होगा, स्थिति ठीक नहीं है, आप इसको अलग अलग करिए, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है। और ये आपका जो ऑयल है कितनी बार यूज़ करते हो फ्राई करने में, ऑयल को कितनी बार फ्राई करने में यूज़ करते हो, कितना, एक सप्ताह, सर ये केवल थ्री टाइम्स यूज होता है, एक बार ऑयल ऑनली थ्री टाइम फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद चेंज होता है, और आप सप्ताह कोई भी तेल ज़्यादा यूज करने पे उसका कोलर काउंट वैल्यू समाप्त हो जाती है। इससे पहले कहीं काम किए, कहाँ पर, झांसी में, तो झांसी में बताया नहीं कि तेल कितने दिन काउंट हो किया जाता है फ्राई करने में, बहुत बड़ा ब्रांड है ग्रिलिन, बहुत ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, 7 दिन तेल कैसे चलता, 3 बार तेल चलता है ओनली कुकिंग का, काम कंटिन्यू नहीं रहता, किसने का कंटिन्यू नहीं रहता यार, यू आर टेलिंग अ लाई, नो इट इज़ नॉट ए अप्रोप्रिएट आंसर, यू शुड चेंज, ठीक है आगे से चेंज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है गलती होगी तो दोबारा सही नहीं हो सकता, दोबारा सही कर लीजिए।